नमस्कार ईपीजी पाठशाला में आप सबका स्वागत है आज हम मध्यकालीन काव्य दो भक्तिकालीन काव्य के अंतर्गत कबीर काव्य में सामाजिक प्रतिरोध के स्वर नव पाठ का अध्ययन करेंगे इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप कबीर की कविता के सामाजिक सरोकार को समझेंगे कबीर के विद्रोह भावना का स्वरूप जानेंगे कबीर काव्य में मौजूद सामाजिक प्रतिरोध की भावना से हम परिचित हो सकेंगे कबीर एवं निर्गुण भक्ति धारा के सामाजिक आधारों की पड़ताल कर सकेंगे और साथ ही कबीर की कविता के सामाजिक महत्व का मूल्यांकन भी करेंगे प्रस्तावना के स्वरूप कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा हिंदी साहित्य में कबीर की कविता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल है इसका कारण उसके सामाजिक सरोकारों में निहित है इसी कारण वह बहुत से आलोचकों द्वारा भक्तिकालीन कविताओं में उनकी कविता सबसे अधिक आधुनिक लगती है कबीर को सबसे अधिक प्रासंगिक बनाने वाले मूल्य उनकी कविता में मौजूद हैं और उसी से प्रतिरोध के स्वर की रचना भी होती है ऐसे में प्रतिरोध और विद्रोह के स्वरूप और विविध आयामों को समझना आवश्यक है कबीर की कविता समाज में किस तरह के परिवर्तन की आकांक्षा को लेकर आई थी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इस आकांक्षा में भक्तिकालीन साहित्य को किस तरह से प्रभावित किया था इसका अध्ययन भी बहुत रोचक होगा इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस परि परिचर्चा में पाठ्यक्रम में कबीर सामाजिक प्रतिरोध और विद्रोह को शामिल किया गया है कबीर के सामाजिक प्रतिरोध और विद्रोह के स्वरूप को हम एक भिन्न प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे भक्तिकालीन साहित्य में कबीर की कविता अपनी अलग पहचान रखती है इसका प्रमुख कारण उसमें मौजूद प्रतिरोध का स्वर ही है इस स्वर को जन्म देने वाली विद्रोह भावना कबीर तुलसी आदि सगुण भक्त कवियों से कुछ अधिक आधुनिक बनाती है दूसरे शब्दों में कबीर तुलसी आदि सगुण कवियों की तुलना में अधिक आधुनिक क्यों प्रतीत होते हैं यह एक चुनौती का विषय भी है रामचंद्र शुक्ल ने कबीर आदि निर्गुण संतों को सूर तुलसी आदि सगुण एवं जायसी आदि सूफी कवियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्व दिया है लेकिन कबीर की कविता में तीक्ष्ण व्यंग के साथ मौजूद विद्रोह और का जो स्वर है उसे रेखांकित किया जाना चाहिए हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर का परिचय देते हुए वे लिखते हैं, उपासना के स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझाकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रथम प्रयास उनकी वाणी करती है यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे लेकिन यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटिली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी कबीर ब्राह्मणों और मुल्लाओं पर राम रहीम के विरोध को स्थापित करने के कारण चोटे कर रहे थे उनका लक्ष्य एक बेहतर समाज की स्थापना करना था इसलिए आवश्यक था कि समाज के एक बड़े तबके को निम्न श्रेणी में धकेलने वाली पंडिताई कर्म कांड अंधविश्वास पाखंड आदि का प्रतिरोध किया जाए इस प्रतिरोध को दबाने की कोशिशें होनी ही थी समाज के शक्ति संपन्न वर्ग की ओर से कबीर पर अत्याचार शुरू हुआ कबीर के प्रतिरोध ने विद्रोह का रूप धारण किया कबीर ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनी विरोधी विचारधारा को चुनौती दी इस विद्रोही तेवर ने उनके प्रतिरोध और प्रेम दोनों भाव की कविता को अपूर्व से भर दिया वे सर्वस्व उत्सर्ग करने की क्षमता को बनाते हुए अपने जैसे विद्रोही होने की सलाह देते हैं उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ विद्रोही टेवर ने कबीर के प्रेम के सर्वस्व उत्सर्ग की मांग को भी वीर दर्प से युक्त कर दिया विद्रोही कबीर जिस एक ईश्वर के लिए एकांतिक प्रेम और संपूर्ण समर्पण की मांग कर रहे थे उस दुनिया में मनुष्य में भेदभाव बरतने की गुंजाइश नहीं हो सकती थी इसलिए उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर किए गए सामाजिक विभाजन का डटकर विरोध किया उन्होंने हिंसा क्रूरता और अन्याय के विभिन्न रूपों की कड़ी आलोचना की वे समाज के सामाजिक और धार्मिक भेद से रूढ़ियों और अंधविश्वासों से निरर्थक आडंबरी कर्मकांडों से मुक्त करना चाहते थे उन्होंने जनता को शोषण और अन्याय न करने न सहने और उसका मुकाबला करने की प्रेरणा दी कबीर के प्रतिरोध और विद्रोह के इन्हीं आयामों की समझने की आज हम कोशिश करेंगे इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण पक्ष है कबीर की रचनाओं में जाति और वर्ण भेद का विरोध किस रूप में शामिल होता है कबीर की कविताओं में विद्रोह और प्रतिरोध का जो स्वर मिलता है उसको उनके दर्शन से प्राण वायु भी मिलती है यह कहना बहुत मुश्किल है कि कबीर ने अपने दर्शन के कारण भेदभाव का विरोध करते हैं या भेदभाव अनुभूति के कारण दर्शन की शरण में जाते हैं सभी निर्गुण कवियों के समान कवि कुछ मूलभूत बातों को स्थापित करते हैं जिनमें कुछ बातें सामान्य रूप से दिखाई पड़ती है मसलन ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है बल्कि सभी मनुष्य एक समान है वेद प्रमाण नहीं है वरण मनुष्य का अनुभव प्रमाण है वह अपने विचारों तर्कों और उदाहरणों के द्वारा इन दोनों मान्यताओं को स्थापित करते हैं बारी बारी से इनको स्थापित करने के लिए तर्क देते हैं बहस करते हैं वाद विवाद करते हैं और प्रतिरोधी विचारधारा को चुनौती भी देते हैं जो तू बाबन बावनी जाया आन मार्ग से क्यों नहीं आया जो तू तु तु तुरक तुरकनी जाया भीतर खतना क्यों न यानी तू ब्राह्मण है अर्थात श्रेष्ठ है इसलिए क्योंकि तुम्हें ब्राह्मणी ने जन्म दिया है यदि तू श्रेष्ठ है तो इस संसार में किसी दूसरे मार्ग से क्यों नहीं आया उसी मार्ग से स्त्री के गर्भ से ही माँ के पेट से ही सभी सभी पैदा होते हैं किसी अन्य रास्ते से नहीं कबीर यह कह कहकर उस परंपरागत मान्यता को चुनौती देते हुए प्रतीत होते हैं जिसे आ, आधार बनाकर समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग के ऊपर हावी होता रहा है उसी तरह तुम्हें जाना क्यों जाता है ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कबीर तर्क करते हैं सुकरात की तरह तर्क करते हैं आसमान से बरसात की तरह बरस जाना यह एक विधि हो सकती है यदि इस मूलभूत बात में तुम सभी अन्य मनुष्यों के ही समान हो इसी समानता को स्वीकार करना ही श्रेष्ठ होगा कबीर यही तर्क नहीं देते इस मत के समर्थन में वे आम जीवन के अनुभवों के अनेक तर्क देते हैं इसलिए मुझे लगता है कि कबीर भारतीय परंपरा में पहले व्यवहारवादी कवि हैं जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठता की भावना का खंडन होता है व्यावहारिक तर्कों से अपनी बातों को समर्थन दिलाने का प्रयास भी शामिल है आप पाएंगे कि मध्यकालीन समाज में जाति व्यवस्था बहुत ही ताकतवर थी समाज का एक बड़ा हिस्सा निम्न श्रेणी में ढकेल दिया गया था उन्हें समानता और सम्मान में शिक्षा शास्त्र और धार्मिक संस्कारों की विरासत से वंचित कर दिया गया था कबीर ने जाति और वर्ण की इसी व्यवस्था से विद्रोह किया उन्होंने अपनी प्रखर वाणी के द्वारा जाति या वर्ण के आधार पर मनुष्य को ऊंचा और नीचा मानने का प्रतिवाद किया ब्राह्मण स्वयं को ब्रह्मा के मुख से पैदा होने के कारण श्रेष्ठ बताते कबीर की राय में सभी मनुष्यों का शरीर एक समान है उत्तम अधम अवयवों से युक्त है सभी एक ही ज्योति से पैदा हुए हैं फिर कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र कैसे हो सकता है उन्होंने कहा एक बूंद एक एमल मूतर एक चाम एक गूदा एक ज्योति थे सब उपपदों कौन वरुण कौन सूदा? एक ही ज्यो ज्योति से सभी पैदा हुए हैं एक ही शरीर और मांस मज्जा से मनुष्य का शरीर बना हुआ है फिर कौन कारण हो सकता है कि कोई एक बड़ा हो कोई एक छोटा हो इस तरह कबीर जन्म के आधार पर मनुष्य की समानता स्थापित करते हैं मनुष्य होने के आधार पर मनुष्य की एकता और समानता स्थापित करते हैं अब शेक्सपियर ने बहुत पहले कहा था कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स बट नथिंग बेटर देन मैन हिमसेल्फ हेमलेट की कही गई यह पंक्ति आज भी अंग्रेजी साहित्य में एक मार्क के रूप में जाना जाता है कहने का मतलब यह है कि कबीर इस तरह जन्म के आधार पर मनुष्य की समानता को तो स्थापित करते ही हैं वे ऊंच नीच जाति भेद को मानने और छुआछूत बरतने को अनुचित भी बताते हैं इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों की आलोचना की है काहे को कीजे पांडे छुत विचार छूत ते उपजा सब संसारा कबीर यहाँ बौद्धों सिद्धों आदि की जाति और वर्ण भेद संबंधी प्रतिरोध की वाणी को भी नया आधार मिलता है इस प्रतिरोध का प्रसार और प्रभाव दूर दूर तक हुआ इसके पीछे जाति और वर्ण आधारित भेद का विरोध करने वाले संतों का एक बड़ा वर्ग विकसित हुआ रैदास रज्जब दादू पीपा नानक आदि संतों ने अपने तई कबीर के प्रतिरोध को आगे बढ़ाया कबीर के प्रतिरोध का महत्व इस बात से भी उजागर होता है कि भारत के निम्न सामाजिक स्थिति पर ढकेले जाने वाले प्रतिरोध करने वाले दलित आंदोलनों ने सबसे अधिक कबीर को ही गले लगाया है डॉक्टर धर्मवीर सहित दूसरे विचारकों ने अनेक दलित आलोचकों ने और कबीर सर्वाधिक अगर उन्हें अपने लगते हैं और उन्हें उन्होंने अपनाया है तो यह अकारण नहीं है कबीर के प्रतिरोध और विद्रोही तेवर ने उन्हें दलित जाति में आत्मविश्वास आत्म गौरव उच्च भावों का संचार करने वाला कवि और स्वयं मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्थापित करने में मदद देने वाला एक आदि प्रवक्ता मनुष्य की एकता का एक, एक आदि प्रवक्ता के रूप में उन्हें स्थापित भी किया है दूसरा एक महत्वपूर्ण भेद भी कबीर में दिखाई पड़ता है इस भेद से बेहतर होगा कि हम इसे सांप्रदायिक भेद का प्रतिरोध कहें कबीर धार्मिक व्यक्ति अवश्य थे भक्त थे भगवान की सत्ता में विश्वास भी करते थे उनके अनुसार भगवान निर्गुण है निराकार है जो लोग कबीर के इस मत से सहमत थे वे कबीर के अपने लोग थे वे संत थे उनसे कोई बहस नहीं थी किंतु जो लोग ईश्वर के सगुण स्वरूप को मानते थे कबीर उनके सभी क्रियाकलापों का खंडन करते थे आप देखेंगे कि ये सब बातें उन्हें आज आत्म अंधविश्वास रूढ़ियाँ धार्मिक आडंबर इतिहास बहिष्कृत मूल्यों आदि को अपनाने के समक्ष प्रश्न चिन्ह लगाने में मदद करती है यह अकारण नहीं है कि कबीर आज के 400 साल साढ़े चार साल बदली हुई भारतीय परिस्थिति में ही काफ़ी करीब लगते हैं तो उसकी वजह है उसका कारण है कबीर उन सब का खंडन करते हैं जो सामाजिक विकास समरसता मूलक समाज की स्थापना और एक एक ऐसा सामाजिक दर्शन जो कि समाज को आगे बढ़ाने और प्रगतिशील मानदंडों के अनुकूल वरण्य होने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं उसके एक आदि स्रूप में उनकी कविता हमें दिखाई पड़ती है ऐसा वे गैर धार्मिक व्यक्तियों के रूप में नहीं करते कबीर मैंने पहले भी कहा वो धार्मिक है ईश्वर में उनकी आस्था भी है लेकिन उनका ईश्वर सगुण और साकार ना होकर वह निर्गुण और निराकार है वह ईश्वर का निवास अपने हृदय में भक्त के हृदय में मानते हैं किसी मूर्ति में किसी मंदिर में नहीं मानते वरन एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति के रूप में वह आत्मा में अनुभूति करते हैं मध्यकाल में जाति के साथ धर्म के आधार पर भेद करने वाली बहुस्तरीय सामाजिक व्यवस्था ने भी मनुष्य को जगड़ रखा था कबीर ने भेदभाव से रूढ़ियों से अंधविश्वासों से निरर्थक आडंबरों से कर्मकांडों से मुक्ति के लिए अपने विद्रोही स्वर को बुलंद किया यह उनकी रचनाओं से स्वतः स्पष्ट है उन्होंने धर्म के ठेकेदारों पर जमकर चोट की भक्तों की प्रशंसा की अकारण नहीं कि उन्होंने धर्म के ठेकेदारों की खबर भी ली आकारण ही कंठ में बसी हुई जनश्रुतियों मुलाओं और पंडितों को कबीर के प्रतिपक्ष में Uh, कोई कोई uh, काव्यात्मक कलात्मक श्रेष्ठता नहीं दिखती धार्मिक भेदभाव अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करने वाली कबीर की वाणी कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमानों को तिलमिला देने वाली लगती हो और उन्हें वह स्वीकार करने में असमर्थ महसूस होते हो तो यह तो, तो स्वतः स्पष्ट ही है उन्हें हिंदू और इस्लाम दोनों एक समान प्रिय और अप्रिय भी लगते हैं प्रिय इंसान के मानवता के स्तर पर अप्रिय अंधविश्वासों के स्तर पर वे प्रेम और निंदा दोनों में हिंदू मुसलमानों पर भेद नहीं करते दोनों धर्मों को खरी खरी सुनाते हैं कबीर के का एक पद इस तरह है अरे इन दोन राह न पाई हिंदू अपनी कर बढ़ाई गागर छुवन न देई हिन्दू अपनी कड़ई बराई गागर छुवन्न देवल सोवे यह देखी हिन्दुआई मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई खाला केरी बेटी ब्याहें घर ही में करी सगाई हिन्दुअन के हिन्आई देखी तुर्कन के तुर्काई कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह है जाई भक्तिकालीन समाज में हिंदू और इस्लाम दो प्रमुख धर्म थे कबीर कहते हैं कि दो में से किसी को सही रास्ता नहीं मिला पंडित और मुल्लाओं ने धर्म के सही मर्म को नहीं पहचाना हिंदू छूट मानते हैं पर वेश्यागामी हैं। मुसलमानों के धर्म गुरु ही जीव की हिंसा करते हैं मुर्गा मुर्गी खाते हैं निकट संबंधियों के अंतर्गत विवाह करने पर अमादा रहते हैं कबीर ने दोनों धर्मों के आडंबरों अंधविश्वासों को स्वीकार नहीं किया कर्मकांडों, कुरीतियों और अनाचार का बिना भेदभाव किए धर्म के आधार पर सांप्रदायिक भेदभाव के आधार पर समान रूप से उसका प्रतिरोध किया है कबीर ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा का जितना विरोध किया उतना ही मुसलमानों के कट्टरता को भी उन्होंने किया पाथर पूजे हरी मिले तो में पूजू पहाड़ ताते वो चक्की भले पीस खाए संसार अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता है तो छोटा पत्थर क्यों पूजे उससे तो बेहतर घर की चक्की ही है उसको पी उसको उसकी पूजा करने से कम से कम उसका पिसा हुआ अनाज खाने को तो मिलता है मूर्ति पूजा पर किए गए ऐसे कटाक्षों में भी एक तर्क है एक वाद विवाद है एक प्रतिरोध को चुनौती देने का एक प्रयास दिखाई पड़ता है इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सुकरात व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर अपने प्रतिरोधियों के ऊपर आक्रमण करते हैं वो पहले व्यवहारवादी हैं हिंदुस्तान के या यूं कहें कि भारतीय कविता के पहले सुकरात भी हैं मूर्ति पूजा पर किए गए ऐसे कटाक्षों के जो आंतरिक तर्क है उसी तर्क से कबीर व्यंग शैली में मुसलमानों द्वारा अल्लाह को प्रसन्न करने के लिए अजान देने और जीव हिंसा करने इन दोनों परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों पर कटाक्ष किया है एक तरफ तो खुदा की इबादत और दूसरी तरफ जीव हिंसा इन दोनों में कोई साम्य नहीं हो सकता उन्होंने खुलकर पूछा कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए तापे मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा है कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना लिया उस पर चढ़कर मुल्ला जी अल्लाह अकबर बोल की आवाज लगाते हैं जैसे कि सुबह होने की सूचना कोई मुर्गा देता हो या जो व्यंग है या जो तल्ख है वह एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की आज के मैं कहूँगा एक पूर्व सूचना देता है मध्यकालीन भारतीय कविता में आज के भारत का एक अक्ष एक धर्म निरपेक्ष भारत का एक अक्ष दिखाई पड़ता है कबीर में हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की एक ही पद में आलोचना करके उनमें निहित एकता स्थापित करने का मार्ग अपनाया उन्होंने कभी दोनों धर्मों के कठमुल्लावादियों से कोई समझौता नहीं किया समानता का यह स्वरूप अत्यंत तार्किक और स्वीकार्य भी था और इसी कारण कबीर आज हमें आधुनिक भी लगते हैं क्योंकि आधुनिकता का एक बहुत बड़ा लक्षण स्टेट का यानी राज्य सत्ता का कोई धर्म नहीं हो सकता यानी राजसत्ता का कोई आ, कोई एक विशेष धर्म नहीं हो सकता और राजसत्ता सबके प्रति समान धार्मिक दृष्टि रखेगी या इसकी एक पूर्वाभास हल्की सी छवि एक धुधली एक, एक सी आकृति हमें कबीर की और भक्ति साहित्य की कविता में दिखाई पड़ती है इसलिए यहाँ पर अलग अलग पदों में और एक ही पद में दोनों धर्मों के समावेशन को भी देखा जाता है हिंदू कहे मोहि राम पियारा तुर्क कहे रहमाना आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम को जाना जो कट्टरतावाद है आज के जमाने में भी हम देखते हैं कि हम परस्पर धर्म के आधार पर जाति के आधार पर संप्रदाय के आधार पर विभाजित हो जाते हैं इस विभाजन की निस्सारता को सबसे पहले कबीर और उनके निर्गुण संप्रदाय के कवियों ने पहचाना था उनके आधुनिक होने का एक बहुत बड़ा कारण मुझे यह भी प्रतीत होता है हिंदू को राम और तुर्क यूँ कहे कि मुसलमानों का रहीम प्यारा है दोनों आपस में लड़ रहे हैं लेकिन धर्म का मर्म कोई नहीं जानता और धर्म का मर्म है प्रेम मानव सुलभ प्रेम यह मर्म यह जो प्रेम है जो धर्म का सार तत्व है राम रहीम की एकता का भी भाव मूलाधार है इसलिए दो नाम सुनकर किसी को भ्रम नहीं पढ़ में नहीं पड़ना चाहिए राम रहीमा एक है नाम धराया दो कहे कबीरा दो नाम सुनी भरम परोिकोय ऐसा ऐसा समन्वय की वाणी आज के भारत में कम ही सुनाई पड़ती है कबीर समाज में भेद पैदा करने वाले तत्वों का स्पष्ट उल्लेख करते हैं एक और तलब है आज हम लोग जब वर्तमान युग में भी सांप्रदायिकता पर बात करते हैं तो सांप्रदायिकता को एक अमूर्त संदर्भों में देखते हैं सांप्रदायिक कहने से कुछ साफ साफ परिभाषित नहीं होता लेकिन कबीर सांप्रदायिक कौन है उनकी कविताओं को पढ़कर आप खुद देख सकते हैं मैं कुछ उदाहरण आपके सामने अभी रखूंगा जैसे कबीर समाज में भेद पैदा करने वाले तत्वों का मैंने कहा कि स्पष्ट उल्लेख करते हैं उन्होंने बताया और समझाया कि राम रहीम की एकता को कुछ धर्माचार्यों ने समाज के कुछ तत्वों ने दो बना दिया है इस भेद नीति से धर्म सत्ता और राज सत्ता लाभ उठाना चाहती है इसलिए वे पंडितों और मौलवियों के खिलाफ प्रतिरोध का स्वर रचते हैं इस विद्रोही चेतना ने कबीर को आज के समय के लिए बेहद जरूरी बना दिया है डॉक्टर पांडे ने लिखा है कि इधर जब से सांप्रदायिकता की महामारी फैली है और मंदिर मस्जिद का फसाद झगड़ा खड़ा हुआ है तब से कबीर का महत्व तो असाधारण तरीके से साधारण जनता के साथ साथ विद्वानों की भी समझ में आने लगा है कबीर ऐसे कवि है जिन्हें किसी तरह की सांप्रदायिकता और कट्टरता न तो दबा सकती है और न पचा सकती है कबीर धार्मिक भेदभाव और धार्मिक विभाजन करने वाले तत्वों के मार्ग के लिए अपाची तो हैं ही उनके मार्ग के अटल अवरोधक भी हैं या एकता भी निर्गुण की स्वीकृति का आधार बन सकती है आज के बदले हुए समय में भी और एक भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के संदर्भ में भी एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है जिसे आज के समाज का मूलाधार कहते हैं जिसे कि आधुनिकता की एक पहचान करते हैं उसमें एक तत्व है तर्क विवेक और बुद्धि का राज सामाजिक विवेकहीनता का प्रतिरोध प्रकारांत से तर्क बुद्धि और विवेक के राज्य को स्थापित करने का प्रथम प्रयास है निसंदेह उसके अपने अंतर्विरोध हैं उसकी अपनी सीमाएं हैं लेकिन इसी से उसका महत्व तो कम नहीं हो जाता कबीर ने जाति और धर्म से जुड़ी तर्कहीन मान्यताओं का प्रतिरोध कर सम्मानजनक समाज के निर्माण का स्वप्न देखा था अंधविश्वास रूढ़ियाँ उनके रास्ते में बड़े कांटे थे ये कांटे सगुण मन की उपज थे धार्मिक ही नहीं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी इन्होंने अनेक कर्मकांडों और कुर्मितियों को जन्म दे रखा था ये कुरीतियां और कर्मकांड तर्कहीन होकर भी प्रचलित थे लोक स्वीकार्य थे ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक विषमता के पोषक भी थे निर्गुण संतों ने विवेक की कसौटी पर खरा न उतरने वाले सारी सामाजिक परंपराओं रूढ़ियों रीति रिवाजों अंधविश्वासों मान्यताओं आदि का अपने तरीके से प्रतिरोध किया जाति धर्म संप्रदाय लिंग मनुष्य के श्रेष्ठता और उसकी हीनता के आधार नहीं बन सकते और समाज में सबसे प्रभावी सामाजिक अभिकरण होने के बावजूद ये मनुष्य मात्र में विभेदीकरण का कतई कोई आधार तैयार नहीं करते ऐसे में सामाजिक दुर्दशा की जिम्मेदारी उन्हीं तत्वों पर आती है जो तत्व जाति धर्म और संप्रदाय के आधार पर मनुष्य मनुष्य के बीच विभाजन करते हैं इस मौके पर मुझे रविनाथ टैगोर की कविता भाषा और छंद की याद आ रही है उस कविता में रविनाथ एक जगह लिखते हैं कि आज तक कवियों ने ईश्वर को काव्य का विषय बनाया है मैं अपने काव्य में सामान्य मनुष्य को काव्य का विषय बनाकर उसे अमर बना दूंगा कबीर ने हर तरह की अतार्किकता और शोषण वर्ग के शोषक चरित्र के खिलाफ ठीक उसी तरह से विद्रोह किया है जिस तरह से उनके अनुवर्ती दौर में परवर्ती दौर में रविनाथ टेगोर ने अपनी कविता भाषा और छंद में किया था स्व की सीमाओं से मुक्त कबीर की विद्रोही स्वर स्वरिका शोषकों का दुश्मन है और निर्बलों का हितैषी भी वे निर्बलों को सताने वालों को आगाह करते हुए कहते हैं निर्वल को कौन सताइए जाकी मोटी हाय बिद जीव के सांस से जो लोभ भस्म हो जाए यानी निर्मल कमजोर व्यक्ति को आप सताइए मत उसका शोषण मत कीजिए उसे दुख ना दें क्योंकि उसकी हाय लगने से उसके साप से अहित हो सकता है अरे जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी हुई धोकनी से लोहा लाल होकर पिघल सकता है तो एक जीवित व्यक्ति के हाय से उसके दिए गए शाप से मनुष्य की क्या स्थिति हो सकती है यह सहज कल्पनी यहाँ भी व्यावहारिक व्यवहारिक अनुभव के आधार पर कबीर अपनी बातों को जनता के मन में समझाने की कोशिश करते हैं बैठाने की कोशिश करते हैं विवेकहीन धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को मध्ययुगीन समाज अपना जीवन मूल्य बनाए हुए था कबीर ने इनमें से अनेक मूल्यों को तोड़कर नए मूल्यों की स्थापना का आह्वान किया उन्होंने अंधविश्वासों की आलोचना तो की ही किसी एक जाति और धर्म की सीमाओं से मुक्त होकर सभी धर्मों के बीच जो व्याप्त एक तत्व है प्रेम का तत्व है उसके उस पर बल दिया जोड़ दिया मंदिर मस्जिद तीर्थाटन व्रत उपवास या जो बाह्य आवरण है इन सब को उन्होंने अपनी भक्ति में कहीं भी प्रधानता देने की कोशिश नहीं की कबीर ने मस्जिद में खुदा और मूर्तियों और तीर्थों में राम बसते हैं तो बाकी चीज़ों में क्या खुदा का निवास क्या ईश्वर का निवास नहीं है वो खुल कर कहते हैं जार खुदाई मसीत बसत है और मलिक किस केरा तीर्थ मूर्ति राम निवासा दुहे कि हेरा कबीर ने कर्मकांडों और सामाजिक कृतियों का प्रतिरोध करते हुए जनता को भक्ति और अध्यात्म का नया रास्ता दिखाया और वह सहज रास्ता था। इस में कि मनुष्य मनुष्य के बीच अधिसूदोष प्रेम को मार्ग है कि तरह दिखने वाला यह प्रेम का मार्ग ही कबीर का मार्ग है उन्होंने लक्ष्य किया कि कर्म कांडों के चक्कर में पड़कर लोग ईश्वर राम से दूर हो जाते हैं रहीम से दूर होते हैं देव पूजी पूजई हिंदू मुए तुरक मुए हज जाई देव पूजते पूजते हिंदू जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तुरक लोग मुसलमान लोग हज करते हुए चले जाते हैं गुजर जाते हैं उन्होंने राम से दूर कर दे और जब के फेर में डालने वाले इन धार्मिक प्रपंचों पर तीखा व्यंग किया व्यंग्य और विद्रोही तेवर का स्वाभाविक और अचूक स्वर है या कहने वस्त्र है यह बताने की जरूरत नहीं है दरअसल मुसलमान दिन में रोजा रखते हैं रात को जीव हिंसा करते हैं वे जीव हिंसा करने वालों पर कटाक्ष करते हैं और लिखते हैं कि घास खाने वाली बकरी की खाल काढ़ ली जाती है तो बकरी खाने वाले की आ, हालत क्या होगी अगर बकरी पाती खात है ताको काढ़ी खाल जे जन बकरी खाते हैं ताको कवन हवाल इससे बढ़िया व्यावहारिक अनुभव पर टिका हुआ शिक्षा दूसरा देखने को नहीं मिल सकेगा बकरी जो कि घास पात खाती है कोमल चीज़ें खाती है उसके खाने के बावजूद उसकी खाल उसकी चमड़ी इतनी मोटी है जो दर बकरी खाते हैं जो बकरी को खाते हैं जो मांस खाते हैं उनकी खाल कितनी मोटी होगी ये सच ये खाल मोटी होना एक कहावत या मुहावरा ही नहीं है इसके पीछे अंतर्निहित अर्थ जो है वह चालाकी का है वह दुष्कर्मों का है धर्म के आड़ आड़ में चलने वाले जो प्रपंच हैं जो सामाजिक वर्ग हितों की साधना है उन सब की एक 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 जिसे कह सकते हैं कि एक अनुभूत के स्तर पर स्वानुभूत के स्तर पर उसकी कड़ी आलोचना प्रस्तुत करते हैं और उसका सबसे उल्लेखनीय पक्ष है उसका व्यवहारवादी पक्ष है। ब्राह्मणों के छुआछूत पर विचार करने और समाज के बड़े तबके के को भक्ति और धार्मिक संस्कारों से वंचित रखने के विरुद्ध तीखा प्रतिरोध भी वहां दिखाई पड़ेगा इस प्रतिरोध में शोषित वंचित तबकों के लिए न्याय सम्मान और सहानुभूति का भाव है यद्यपि कुछ सामाजिक तबके जैसे स्त्री के शोषण और अमानवीय स्थिति के खिलाफ कबीर के यहाँ प्रतिरोध नहीं दिखाई पड़ता है बावजूद इसके सामंती समाज के जीवन मूल्यों का जिस कदर प्रतिरोध विरोध कबीर की कविताओं में रचनाओं में दिखाई पड़ता है वह अद्वितीय तो है ही आज के संदर्भ में एक धर्मनिरपेक्ष समता मूलक भारत के का संकेत करने वाला पक्ष भी वहाँ पर है यह प्रतिरोध कबीर को आधुनिक तो बनाता ही है उसकी चेतना के निकट तो लाता ही है इस प्रतिरोध से आधुनिक व्यक्ति सहमत भी होता है और उसके दर्शन से पूरी तरह एक आत्मिक संबंध भी स्थापित करता है